हेलो दोस्तों, नमस्कार। समीर कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम कैसे आसानी से एमएस वर्ड में बायोडाटा बनाएं या प्रोसेस, हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पहले से बना रखा है, तो ऐसे ही हम बायोडाटा कैसे बनाते हैं। तो अब हम नया पेज लेंगे। अब हम सबसे पहले फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में कंट्रोल ई से सेंटर में लेंगे। पहले हम टाइप करते जाते हैं, बाद में सेट करेंगे। यहाँ सबसे पहले नाम लिखेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद में ईमेल आईडी, उसके बाद में यहाँ फादर नेम, तो हम सिलेक्ट करेंगे। फिर कंट्रोल एम से इसे राइट साइड लेंगे। अब आगे लिखेंगे ऑब्जेक्टिव, उसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव, ये हेडिंग है तो इसे हम कंट्रोल बी से बोल्ड करेंगे और इसे हम कलर देंगे। अब अगला पॉइंट आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब हम यहाँ चाहे तो टेबल ले सकते हैं और नहीं तो हम यहाँ डॉट्स देके पॉइंट दे सकते हैं। के बाद में हम ग्रेजुएशन कर लेंगे। अभी जैसे हो गया तो इसका हेडिंग को हम सिलेक्ट करके कंट्रोल बी से बोल्ड करेंगे। उसके बाद में होम पेज में यहाँ कलर थेम कलर है, यहाँ से हम कलर लेंगे। अब अगला पॉइंट लिखेंगे एक्सपीरियंस। अब इसमें एक्सपीरियंस में ऑर्गेनाइजेशन, अब किस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का नाम लिखेंगे यहाँ। अब
ये वाला भी हो गया एक्सपीरियंस। अब इसको सेम वैसे ही बोल्ड करेंगे, यहाँ से कलर देंगे, अब अगला पॉइंट आएगा टेक्निकल स्किल्स। उसके बाद में सेम चीज इसको कंट्रोल पी करेंगे, यहाँ से कलर लेंगे। अब अगला पॉइंट है स्ट्रेंथ। अब यहाँ से डॉट लेने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से जो चाहिए वो लिख सकते हैं। अब इसको सेम चीज यहाँ से कंट्रोल भी करेंगे, अब यहाँ से कलर देंगे। अब अगला पॉइंट आएगा पर्सनल प्रोफाइल। कंट्रोल अगला है डिक्लेरेशन। प्लेस छत्तीसगढ़, यहाँ का आज का डेट लेंगे। अब इसको कंट्रोल आर से राइट कर लेंगे राइट साइड। तो चलिए हमारा बायोडाटा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है टाइपिंग में। अब इसको हम सेट करेंगे। तो सबसे पहले में इसे हम कंट्रोल बी से बोल्ड करेंगे और यहाँ से साइज बढ़ा देंगे। उसके बाद में अंडरलाइन देंगे। हम यहाँ लुक अच्छा दिखने के लिए इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट से एक शेप लेंगे, यहाँ से एक लाइन लेंगे। अब इसको सीधा लाइन करने के लिए शिफ्ट दबा के रखेंगे तो ये बिल्कुल सीधा लाइन आएगा। अब इसकी साइज बढ़ाने के लिए हम यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं। फोटो डालेंगे तो फोटो डालने के लिए फिर हम इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से पिक्चर लेंगे। पिक्चर में हम जहाँ पे जिस फोल्डर में रखे हैं फ़ोटो वहाँ पे क्लिक जाकर वहाँ से फ़ोटो उठाएंगे। अब इसको हम कहीं भी एडजस्ट करेंगे तो हमारा जो कंटेंट लिखा हुआ है इधर उधर हो जाएगा। तो इसको हम क्लिक करके रखेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद में टेक्स्ट वार्पिंग में जाएंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद में बिहाइंड टेक्स्ट में आएंगे तो ये फोटो हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फोटो एडजस्ट करते हैं। तो हम इसको और अच्छा दिखने के लिए हम इसमें कुछ डिजाइन बनाएंगे। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से एक शेप लेंगे,
इसको हम जो कलर देना चाहेंगे यहाँ से दे सकते हैं, या फिर यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं। तो इसको नीचे भी से अगला पेज में भी करने के लिए इसको कंट्रोल डी दबाएंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा, तो इसको नीचे लेके सेट कर लेंगे। उसके बाद में हम फिर इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से एक बार फिर लेंगे, हम इसको स्पेस सेट कर लेंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इसको दो पेज में ले लेंगे। तो ये हमारा बायोडाटा बन के रेडी हो गया है जॉब के लिए। तो हम यहाँ से कंट्रोल F2 दबा के प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।